हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, कल जो हमने चालू किया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसी का आज दूसरा वीडियो है। कल की क्लास में हमने देख लिया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लायक क्यों गया, क्योंकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या खामी थी जिसकी पूर्ति के लिए जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लाया गया। उसके बाद हमने ये पार्ट भी कवर किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य अवधारणा क्या है, विशेषता क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौन कौन सी उप योजना चल रही है। वही पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज की क्लास में जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा, हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से जानते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी उप योजना छत्तीसगढ़ में भी चल रही, जो हमने कल तीन बताई वो भी चल रही है, लेकिन उसके अलावा छत्तीसगढ़ में और भी कुछ उप योजना चल रही है। ये पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये क्लास आपको पूरे YouTube में कहीं और नहीं मिलने वाली। हाँ, बाद में कोई कॉपी करके मेरा डाल दिया वो बात अलग है, लेकिन ये क्लास आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। और जितने भी योजनाएं मैंने ऑथेंटिक सोर्स से यहां पर लाई है, इससे पेपर में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं इस बार। तो ये पार्ट आप अच्छे से कवर कीजिएगा, और जो भी चीज यहां पर मैं बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि देखिए व्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन लाइक आप लोग से लाइक भी नहीं हो रहा है, बाकी आप पूरा वीडियो देखकर चले जा रहे हैं, तो आपका लाइक दबाने में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है। पूरी चीज अगर मैं आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड करा रहा हूं तो आप सपोर्ट करें उस चीज को, और आप वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, अगर नहीं आ रहा आप मत कीजिए, कोई बात नहीं, आप मत देखिए, लेकिन अगर पसंद आ रहा और आप पूरा इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम चालू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कि राज्य में क्या नाम से जाना जाता है, बिहान के नाम से जाना जाता है। हर राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अलग अलग तरीके से चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या बिहान इसको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर राज्य का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्यों को छूट दी गई है, तो हर राज्य अपने तरीके से इसको चला रहा है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको बिहान के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2013 में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो पूरा केंद्र ने बनाया है वो आ गया था 2011 में, लेकिन ये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कि हम बिहान के नाम से जानते हैं, वो आया 1 अप्रैल 2013 में। तो यहां पर मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसलिए लिखा हूं क्योंकि है केंद्र की ही योजना, लेकिन क्योंकि इस योजना के अंतर्गत राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने राज्य में अपने तरीके से योजना को लागू कर सकते हैं, इसी के लिए हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या बिहान के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में ये बिहान योजना जो चालू हुई है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो निर्देश है उसी का पालन करते हुए है, और ये प्रारंभ हुई है 1 अप्रैल 2013। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब से चालू हुआ है, तो आप 2011 मारेंगे, लेकिन पूछेगा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या बिहान कब चालू हुआ है, तो आप 1 अप्रैल 2013 मारेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे मैं कल के ही पार्ट को यहां पर कवर कर रहा हूं, जो हम उप योजना पढ़ रहे थे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, उन्हीं उप योजना को मैं छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में उन योजनाओं के अलावा और कौन कौन सी उप योजना चल रही है इस मिशन के अंतर्गत। बाकी जो आपका पार्ट बचता है कि परिक्रामी निधि कितना होता है, सामुदायिक निवेश कोष को, ये अगली क्लास में पूरा डेटा वाला पार्ट कवर कर लेंगे, फिर हमारा पूरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली उप योजना है NRETP। NRETP का मतलब नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। NRETP नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है 2019-20 में। NRLM के अंतर्गत गठित सामुदायिक संगठन को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भी स्व सहायता समूह बने हैं उनको जो है और मजबूत बनाने के लिए, और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लाई गई है NRETP, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ही उप योजना है, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट
एनआरएलएम के अंतर्गत सामुदायिक संगठन यानी स्व सहायता समूहों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। ये योजना का जो भी वित्त पोषण है ये विश्व बैंक के द्वारा समर्थित योजना है, यानी विश्व बैंक और भारत सरकार इसमें मिलकर इस योजना के अंतर्गत पूरा पैसा डालेंगे। क्लियर है? तो याद रखना है कि जो एनआरईटीपी है, आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कौन सा संगठन इसको वित्त पोषित कर रहा है, तो उसको विश्व बैंक कर रहा है, याद रखिएगा। तो विश्व बैंक द्वारा समर्थित योजना है एनआरईटीपी। अगर यहां पर देखूं तो इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के 43 विकास खंडों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 7 जिले के 43 विकास खंड शामिल है। 7 जिले कौन कौन से हैं? रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर। ये 7 जिले हैं, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर, ये 7 जिले। अब ये योजना क्या है मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए यहां पर क्या होता है कि प्रत्येक विकास खंड, जैसे कि मैंने बताया टोटल 43 विकास खंड का चयन हुआ है, तो प्रत्येक विकास खंड में एक संकुल स्त्री संगठन को चयनित किया जाएगा। संकुल स्त्री संगठन क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए 2-3-5 ग्राम पंचायत को मिलाकर कोई स्व सहायता समूह बना ही होगा जिसमें 2 या 4 या 5 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे। ऐसा भी तो समूह बनते हैं जिसमें एक ही गांव के लोग शामिल नहीं होते, अलग अलग गांव मिलकर के लोग शामिल होकर एक स्व सहायता समूह बनाते हैं। तो ऐसे जो ग्राम पंचायत, जो अलग अलग ग्राम पंचायत के लोग मिलकर स्व सहायता समूह बनाए हैं, तो इनको बोलते हैं संकुल स्त्री संगठन। यानी ये संगठन ग्राम पंचायत और विकास खंड के बीच के स्तर पर काम करता है। क्लियर है? तो ऐसे संगठन जो कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के व्यक्तियों द्वारा मिलकर बनाया गया हो और वो मिलकर काम कर रहे हो, तो इनको संकुल स्त्री संगठन कहा जाता है। ये स्तर कौन सा होता है? ग्राम पंचायत और आपके जो मुख्य रूप से विकास खंड के बीच का स्तर हो गया ये। क्लियर है? तो ऐसे यहां पर क्या कर रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत जो अलग अलग विकास खंड, जो 43 विकास खंड का चयन किया गया, हर विकास खंड में एक संकुल स्त्री संगठन को चयनित किया जाएगा और उसको चयन करके वहां पर उसको मॉडल संकुल स्त्री संगठन बनाया जाएगा। ठीक है? मॉडल संकुल स्त्री संगठन यानी वहां पर हर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस योजना के अंतर्गत 7 जिले के 43 विकास खंड शामिल है और हर विकास खंड के एक संकुल स्त्री संगठन का चयन किया जाएगा और उस संकुल स्त्री संगठन को मॉडल संकुल स्त्री संगठन बनाया जाएगा। तो मॉडल बनाने के लिए क्या होगा, उस स्व सहायता समूह के मान लीजिए कार्यालय बनवाए जाएंगे, कार्यालय के साथ उनको और वित्त पोषण किया जाएगा सरकार के माध्यम से, ताकि वो अपने क्रियाकलापों को और बड़ा कर सके, ताकि वो एक बाकी स्व सहायता समूह के लिए एग्जाम्पल बन सके कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा लाभ बढ़ सकता है, यानी जो हम गरीबी रेखा के नीचे है वो हम उससे ऊपर आ सकते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर प्रत्येक विकास खंड से एक संकुल स्त्री संगठन का चयन किया जाएगा और उसको मॉडल स्तर का जो है संकुल स्त्री संगठन बनाया जाएगा, यानी एक मॉडल संकुल स्त्री संगठन का निर्माण किया जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इस मॉडल जो संकुल स्त्री संगठन है उसके कार्यालय की स्थापना के लिए 2.5-2.5 लाख रुपए पर संगठन दिया जाएगा। यानी जिसका भी चयन किया जाएगा उस संकुल स्त्री संगठन को, उसको 2.5 लाख रुपए देगी गवर्नमेंट, वो भी केंद्र सरकार देगी कि आप यहां पर अपना कार्यालय का निर्माण कराएं, तो पर संगठन 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वित्तीय रूप से उस संगठन को आत्मनिर्भर बनाने हेतु संगठन को 3 किस्तों में मैक्सिमम 20 लाख रुपए का वियबिलिटी गैप फंड प्रदान किया जाएगा ऋण के रूप में। यहां पर क्या होता है वियबिलिटी गैप फंड क्या होता है मैं आपको वो समझाते, तो सरल भाषा में समझाता हूं, आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट निकला है और सरकार बोलती है कि हम इसको जो है प्राइवेट सेक्टर को देंगे कि वो जो है 100 करोड़ की लागत से इस रोड का निर्माण करे। क्लियर है? तो वहां पर टेंडर निकाला जाता है और जो मैक्सिमम बोली लगती है वो 80 करोड़ रुपए की लगती है, यानी वो निजी जो संगठन जो है वो बोली लगाता है कि हम 80 करोड़, सरकार चाह रही है 100 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हो, लेकिन निजी क्षेत्र बोल रहा है कि हम इसमें 80 करोड़ रुपए ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे जो टोल से पैसा कलेक्ट होगा
वो 80 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो हम यहाँ पर घाटे में चले जाएंगे। तो सरकार यहाँ पर यह बोलेगी कि आप 100 करोड़ की लागत से ही, क्योंकि हमारा जो हमने लिमिट बनाई है इस रोड निर्माण के लिए वो 100 करोड़ की ही लागत है, तो आप अपना 80 करोड़ रुपए लगाइए, बाकी जो 20 करोड़ रुपए आपके लिए गैप आ रहा है उसकी पूर्ति हम स्वयं कर देंगे। तो इसी को बोला गया जो 20 करोड़ रुपए है वही है वियबिलिटी गैप फंड। क्लियर है? यानी सरकार चाहती है कि वो 100 करोड़ का ही रोड बने, लेकिन जो निजी क्षेत्र है वो वहां पर निवेश करने के लिए 80 करोड़ रुपए ही राजी होता है, 20 करोड़ रुपए का जो गैप आ रहा है उसकी पूर्ति कौन कर रहा है? सरकार करती है, तो वो 20 करोड़ रुपए ही कहलाता है वियबिलिटी गैप फंड। तो यहां पर जो है आपका जो वियबिलिटी गैप फंड, यानी जो इन लोग काम कर रहे हैं, ये स्व सहायता समूह जो संकुल स्त्री संगठन है जो ये काम कर रहा है, मान लीजिए उसकी लागत जो है वो कोई बड़ा काम करना चाह रहा है, उसकी लागत मान लेते हैं 80 लाख रुपए की, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, तो उसके और उनके पास जो है मान लेते हैं 65 लाख रुपए ही है उस काम को करने के लिए, तो बाकी जो बचे 15 लाख रुपए वो कौन दे देगा? इनको सरकार दे देगी, तो वो वियबिलिटी गैप फंड 15 लाख रुपए हो जाएगा। तो मैक्स ऐसे ही सरकार जो है मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का वियबिलिटी गैप फंड दे सकती है इस संगठन को कोई काम करने के लिए, वो भी 3 किस्तों में इसका भुगतान किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वियबिलिटी गैप फंड समझ आ गया होगा कि जितनी आवश्यकता अगर उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही तो जो बची हुई राशि है उसकी पूर्ति सरकार के द्वारा कर दी जाती है। अगला पॉइंट, गैर कृषि कार्य आधारित गतिविधि के अंतर्गत उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर पर कार्य किया जा रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा और भी जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी जो भी आपको वो उद्योग चालू करने के लिए जो जरूरतें होती है, लाइसेंस की जरूरत होती है, जो भी जरूरतें होती है उसको पूर्ति करने के लिए एक वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा, और उस फैसिलिटी सेंटर में जो है सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी कि उनको जो भी उस उद्योग को चालू करने की जरूरत है, चाहे वो प्रशिक्षण की जरूरत हो, चाहे वो ऋण की जरूरत हो, चाहे वो उनके कैसे किस कार्य को किया जाता है, कैसे कोई भी मतलब उनको निर्देश लेने की जरूरत हो, सहायता करने की जरूरत हो, तो वो इस वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर में उपलब्ध हो जाएगा। और ये वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर होगा? जो ये कार्यालय बनवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो संकुल स्त्री संगठन का कार्यालय बना रहे हैं वहीं पर वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर भी बनवाया जा रहा है, ताकि उस संकुल स्त्री संगठन में के आसपास जितने भी स्व सहायता समूह और हैं, अगर उनको कुछ जरूरत होगी, चाहे वो किसी प्रशिक्षण की जरूरत है, यो भी उनको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये योजना है आपकी NRETP, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जो कि 2019-20 से प्रारंभ हुआ है। क्लियर है? अब हम देखते हैं बिहार के अंतर्गत या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दूसरी उप योजना, वो है उत्थान परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं आपको वो बता देता हूं। उत्थान परियोजना क्या है? प्रदेश में निवासरत यानी छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन हेतु, यानी जो हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में रह रही है वो कैसे रोजगार पा सकती है अपने जीवन यापन करने के लिए, उसके लिए जो है ये योजना लाई गई है। यानी इसके अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, या अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनको भी स्व सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और वो जो है उनकी आजीविका यानी उनको रोजगार कैसे मिल सकता है, उनकी कमाई कैसे हो सकती है ताकि वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाए, तो इसके लिए उत्थान परियोजना चालू की गई है। तो आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो उसके आंसर होगा उत्थान योजना। आपसे ऑप्शन में उत्थान दे देगा, स्वावलंबी दे देगा, ठीक है, कुछ भी ऐसे चार ऑप्शन देगा उत्थान परियोजना। उल्टा भी पूछ सकता है कि उत्थान परियोजना का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन से संबंधित है। यही क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उत्थान परियोजना प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन हेतु ये योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यानी राज्य सरकार इसके अंतर्गत कोई भी पैसा नहीं दे रही, पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है। तो इस योजना के अंतर्गत टोटल 9 जिलों के विकास खंडों का चयन किया गया है, जैसे बलरामपुर जिले के अंतर्गत शंकरगढ़ वाड्रफ नगर विकास खंड का चयन हुआ है,
गरियाबंद के अंतर्गत गरियाबंद और मैनपुर विकासखंड का चयन हुआ है। सरगुजा के अंतर्गत मैन पार्ट उदयपुर बतौली और अंबिकापुर विकासखंड का चयन है। धमतरी के अंतर्गत नगरी का चयन किया गया है। राजनांदगांव के अंतर्गत छुई खदान का चयन है। ये अभी नया जिला भी बन गया है तो उसको, क्योंकि हमारी योजना पहले से चल रही था, राजनांदगांव को ही लेंगे। राजनांदगांव के अंतर्गत छुई खदान, कबीरधाम के अंतर्गत पंडरिया विकासखंड, रायगढ़ के अंतर्गत धरम जयगढ़ विकासखंड, कोरबा के अंतर्गत कोरबा विकासखंड और कोरिया के अंतर्गत भरतपुर विकासखंड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 9 जिलों के अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों का चयन किया गया है। लेकिन पेपर में आप केवल इसको नोट करके एक नजर मार के जाइएगा, पेपर में यह नहीं पूछेगा कि कौन कौन से विकास खंड शामिल है। ठीक है, केवल इतना याद रखिएगा 9 जिले शामिल है, उसके अंतर्गत विभिन्न विकास खंड शामिल किए गए हैं। पेपर में आना वही क्वेश्चन है, उत्थान योजना का संबंध किससे है, तो विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन से संबंधित है। केवल एक नजर मार लीजिएगा, गलती से कभी पूछ लिया तो आपकी नजर में रहे बस, बाकी चांस इसके आने के कम है। जो मैंने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही क्वेश्चन आना है पेपर में। अगला देखते हैं, तीसरा योजना है मिलाप योजना, जिसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, मिलाप योजना, मिलाप का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये योजना प्रारंभ की गई है 21 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, तो आपको सब पता है 2020 का समय, अक्टूबर 2020 यानी ये कोविड का समय है। तो कोविड-19 के समय क्या होता है, छत्तीसगढ़ के, आपने कई बार पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक है वो पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्यों में, वहां पे जाके मजदूरी करते हैं, श्रमिक का काम करते हैं। और तो जो कोविड-19 का टाइम आया तो जो माइग्रेंट लेबर थे, यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ के लेबर थे जो बाहर जाके काम कर रहे थे, वो कोविड-19 के समय वापस छत्तीसगढ़ आ गए। अब जो भाई श्रमिक है उनकी जो दैनिक मजदूरी होती है वो उसी के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब वो जिस राज्य में काम कर रहे थे उस राज्य से वापस छत्तीसगढ़ अपने राज्य में आ गए, तो अब उनके पास तो कोई काम नहीं रहा क्योंकि वहां मजदूरी करके वो दैनिक मजदूरी में जीवन यापन कर रहे थे। तो अब जो माइग्रेंट लेबर, जो प्रवासी मजदूर जब हमारे यहाँ वापस आ गए, जो हमारे ही राज्य के थे और बाहर गए हुए थे और कोविड-19 के समय वापस आ गए, तो उनको वापस काम मिल जाए इसके लिए योजना चालू की गई थी, मिलाप योजना यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर ऑफ छत्तीसगढ़, 21 अक्टूबर 2020 को। कब? कोविड-19 के प्रभाव के कारण विभिन्न राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक की आजीविका विकास हेतु ये योजना लाई गई। इसके अंतर्गत 2 जिले का चयन किया गया, राजनांदगांव और कबीरधाम। तो ऐसे जो हमारे श्रमिक भाई जो बाहर राज्य में जाकर काम कर रहे थे और वापस छत्तीसगढ़ आ गए कोविड-19 के समय, तो उनको जो है राजनांदगांव और कवर्धा में काम दिया गया, वापस श्रमिक का काम दिया गया ताकि वो दैनिक मजदूरी में काम कर सके। तो ये योजना भी जो है पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। योजना बनाई छत्तीसगढ़ सरकार थी लेकिन परमिशन जो है भारत सरकार से लेनी पड़ती इस योजना के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। तो इसी के लिए इसके परमिशन भारत सरकार ने दी और भारत सरकार ही इसको वित्त पोषित करने लगा। तो मिलाप योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मिलाप योजना का संबंध किससे है, जो हमारे माइग्रेंट लेबर थे जो बाहर जाकर काम कर रहे थे, जब अपने राज्य में वापस आ गए तो उनको दैनिक मजदूरी पर काम दिया गया 2 जिलों में, कबीरधाम और राजनांदगांव। क्लियर है? अगला योजना है स्वाभिमान योजना, ये भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है। स्वाभिमान योजना क्या है, बिहान के अंतर्गत संगठित महिला समूहों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवार की प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं को पोषण स्तर बेहतर करने बस्तर विकास खंड से इसको प्रारंभ किया गया। यानी जो ऐसी महिला है जो वंचित वर्ग से आती है, सामाजिक रूप से पिछड़ी है, या जो ऐसी महिला जो है गरीब परिवार से है, तो ऐसी महिला जो कि प्रजनन वाली उम्र में, यानी उनकी अभी भी उम्र है कि वो बच्चों को पैदा कर सकती है, तो ऐसी महिलाओं को के पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए बस्तर विकास खंड से स्वाभिमान योजना का प्रारंभ किया गया। क्लियर है? जो फिर से बोल रहा हूं, बिहान के अंतर्गत संगठित महिला समूहों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवार की प्रजनन उम्र समूह,
प्रजनन उम्र समूह यानी उनकी जो है भी प्रजनन करने की उम्र है और साथ ही वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं का पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए बस्तर विकास खंड से प्रारंभ। तो देखिए यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या लेना देना है इससे, तो सीधा लेना देना क्या है, यहाँ पर जो महिलाओं का स्व सहायता समूह है वो ये पहचान करेगा गांव में जा जाकर कि कौन सी महिला जो है वो गरीब वर्ग से है, वंचित वर्ग से है या पिछड़े वर्ग से है, और वो साथ ही साथ उनकी बच्चे पैदा करने की उम्र है, तो वो महिला अगर गर्भवती पाई जाती है तो उस गर्भवती महिला के पोषण के सुधार के लिए महिला स्व सहायता समूह को वित्त पोषित करती है गवर्नमेंट। यानी ये जो महिला स्व सहायता समूह यहाँ घूम घूम के उन महिलाओं की पहचान कर रहा है जो गर्भवती है और इन वंचित वर्गों से आती है, तो उन महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए स्वाभिमान योजना लाई गई है। तो जो स्व सहायता समूह काम कर रहा है उसको बिहान के अंतर्गत रोजगार मिल रहा है, क्लियर है। तो वो स्व सहायता समूह वहां पे गांव में घूम घूम कर ऐसी महिलाओं की पहचान करेगा जो गर्भवती और उनके पोषण स्तर में सुधार लाने का प्रयास करेगा। तो स्वाभिमान योजना प्रारंभ कहां से हुई थी, बस्तर के विकास खंड यानी बस्तर जिले के बस्तर विकास खंड से ये योजना प्रारंभ हुई थी। लेकिन जब इस योजना का परिणाम देखा गया तो काफी बेहतर परिणाम आया, यानी जो गर्भवती महिलाएं थी उनके पोषण स्तर में सुधार आना चालू हुआ। तो गवर्नमेंट ने इसको देखकर, इस सकारात्मक बदलाव को देखकर इस योजना को एक्सटेंड किए कितने और विकास खंड में, 8 विकास खंड में, और यही स्वाभिमान योजना का नाम कर दिया गया समृद्ध बिहान कार्यक्रम, क्लियर है। तो जो स्वाभिमान योजना वंचित वर्ग की महिलाएं जो गर्भवती या प्रजनन की उम्र में है उन महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए बस्तर विकास खंड से स्वाभिमान योजना चालू की गई, वहां सकारात्मक बदलाव आए। तो इस सकारात्मक बदलाव के बाद इसको 8 और विकास खंड में एक्सटेंड किया गया और इसका नाम कर दिया गया समृद्ध बिहान कार्यक्रम, क्लियर है। ये है आपकी स्वाभिमान योजना। अगला देखते हैं ट्रांजेक्शन बेस्ड MIS। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्लियर है। ट्रांजेक्शन बेस्ड MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये 12 जिले के 30 विकास खंड में चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे जो है 23,000 स्व सहायता समूह जो 12 जिलों के 30 विकास खंड में काम कर रहे हैं उनको ट्रांजेक्शन बेस्ड MIS से जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, यानी जो इस स्व सहायता समूह का लेन देन होगा उसका पूरा लेखा जो कहा जाएगा इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS में जाएगा, और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो है पूरी इंफॉर्मेशन इस स्व सहायता समूह की किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन किया गया है, एक ऐप बना दिया गया है और उसके अंतर्गत या एक वेबसाइट बना दी गई है जिसके अंतर्गत इन स्व सहायता समूह को जोड़ दिया गया और जिनका भी जो लेन देन होगा उसमें वो डायरेक्ट इसको इनपुट देंगे और वो वेबसाइट में अपडेट होता रहेगा और गवर्नमेंट को पता रखता रहेगा कि स्व सहायता समूह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन बेस्ड MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 12 जिले के 30 विकास खंड के अंतर्गत 23,000 स्व सहायता समूह में प्रारंभ कर दिया गया है राज्य के। अगला है बैंक सखी या बैंक मित्र। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि बैंक मित्र या बैंक सखी क्या है, कि हमारे यहाँ साक्षरता की कमी है, तो साक्षरता की कमी के कारण जो व्यक्ति स्व सहायता समूह प्रारंभ भी करना चाहते हैं उनको ऋण कैसे लेना है, बैंक में जाकर कैसे फॉर्म भरते हैं, ये सब की कोई जानकारी नहीं रहती, तो वो क्या करेंगे, बिहान योजना के अंतर्गत या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक मित्र या बैंक सखी लाया गया है। तो वो बैंक मित्र या बैंक सखी एक महिला होती है उसको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है कि वो जितने भी महिला स्व सहायता समूह है उनके पास जाए और उनको समझाए कि वो बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं, बैंक से कैसे आपको ऋण लेंगे तो उसको पटाना कैसे, पूरी प्रक्रिया को वो महिला जाकर समझाती है किसको, महिला स्व सहायता समूहों को। तो ये आप बोल सकते हैं कि बैंक और स्व सहायता समूह के बीच ब्रिज का काम कौन कर रहा है, ये बैंक सखी या बैंक मित्र कर रहे हैं, और इनको भी जो बैंक सखी या बैंक मित्र जो भी बनते हैं उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे काम करना है, उसके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं और वो जाकर इन स्व सहायता समूह को पूरी बैंकिंग वैंकिंग की जानकारी देते हैं, क्लियर है। तो महिला स्व सहायता समूह व बैंकिंग संबंधी सेवाओं की पहुंच बनाने हेतु सहायता देने के लिए बैंक सखी या बैंक मित्र योजना लाई गई है।
अगला है बीमा एवं पेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जोखिम प्रबंधन निधि देते हैं, जोखिम प्रबंधन जो है इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक विशेषता भी है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के सदस्यों के परिवारों की निरंतर खुशहाली के लिए हर तरह के जोखिम को कम करने के लिए उनका बीमा कराया जाता है, और बीमा के बाद कई लोगों को पेंशन के अंतर्गत भी लाया जाता है। तो इस बीमा एवं पेंशन के लिए जितने भी स्व सहायता समूह के सदस्य रहते हैं उनको तीन योजनाओं से जोड़ा जाता है। वो तीन योजनाएं कौन कौन सी है, PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सेकंड है PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और APY यानी अटल पेंशन योजना। यानी जो भी महिला सदस्य स्व सहायता समूह में शामिल है उनको जो है बीमा व पेंशन के लिए उनको इन तीन योजनाओं से अटैच करवाया जाता है, और इन योजनाओं का लाभ उनको पहुंचाया जाता है, यानी उनका सुरक्षा कवरेज दिया जाता है। तो तीन योजना है, PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और APY अटल पेंशन योजना से इनको अटैच कराते हैं। तीन योजना आप याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछ सकता है। अगला है आठवां, इस उपयोजना के अंतर्गत कृषि सखी या पशु सखी। जैसे बैंक सखी है यहाँ पर बैंक मित्र, वैसे कृषि सखी या पशु सखी है, तो यहाँ पर भी एक व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। ये जो है योजना महिला किसान सशक्तिकरण योजना का ही उपभाग है। जैसे हमने कल महिला किसान सशक्तिकरण योजना पढ़ी थी, उसी का एक भाग है कृषि सखी या पशु सखी। इसके अंतर्गत जो है एक महिला को जो है कृषि सखी या पशु सखी बनाया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि सखी जो रहेगी वो क्या बताएगी लोगों को, जाकर स्व सहायता समूह को जाकर कैसे जैविक खेती कर सकते हैं, और जो पशु सखी बनेगी वो क्या बताएगी स्व सहायता समूह को जाकर कैसे पशुपालन से भी आजीविका कमाई जा सकती है। तो कृषि सखी और पशु सखी क्या है, कृषि सखी बताएगी कृषि के क्षेत्र में जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं कि आपको जैविक खेती कैसे करनी है, उर्वरकों का प्रयोग कैसे कम करना है, अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाना है, ये काम है कृषि सखी के बताने का। और पशु सखी ये बताएगी स्व सहायता समूह को जाकर जैसे कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आजीविका पा सकते हैं। तो महिला किसान सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत संवहनी कृषि एंड पशुपालन के कार्यों को बढ़ावा देने हेतु ये इनका नियुक्ति की जा रही। संवहनी कृषि मतलब स्थानीय मौसम के आधार पर वहां पर क्या खेती की जा सकती है, तो वो संवहनी कृषि हुई। और पशुपालन के कार्यों को बढ़ावा देने हेतु कृषि सखी और पशु सखी लाया गया है। पशुपालन व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन के लिए पशु सखी, जैविक खेती के लिए कृषि सखी, और छत्तीसगढ़ के 79 विकास खंड का चयन किया गया है जहां पर कृषि सखी और पशु सखियों की नियुक्ति की जा रही है। इनका पूरा प्रशिक्षण देकर गवर्नमेंट नियुक्त करती है, और ये विभिन्न गांव में घूमकर स्व सहायता समूहों को कृषि और पशुपालन के विषय में जानकारी देते हैं। तो यहां पर आज हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। पूरा हमने जितने भी हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जितने भी उप योजनाएं चल रही थी उसको हमने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। जब हम अगली क्लास में आएंगे तो आपको पूरा पद की चक्री निधि क्या होता है, सामुदायिक निवेश कोष क्या होता है, ये पार्ट पूरा हम कवर कर लेंगे। और इस जितना भी हम कवर किए उससे बाहर एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप बना के देखिए, चाहे पिछले साल आए हो या उसके पिछले साल आए हो, सब क्वेश्चन आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, और यहां तक जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा। पहली मैंने बोला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।